प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू के आह्वान से प्रेरित होकर व्यापार मंडल हमीरपुर ने रविवार के साथ साथ सोमवार को भी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। व्यापार मंडल द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के शटर बंद करके अंदर से भी सामान नहीं बेचेगा। शनिवार को हमीरपुर में व्यापार मंडल की आपात बैठक व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि जनता कर्फ्यू को पूरी तरह से सफल बनाना है और इसको और कारगर बनाने के लिए सोमवार को भी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का शटर बंद कर अंदर से सामान नहीं बेचेगा। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सोमवार को भी हमीरपुर में व्यापारिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिर्फ जरूरी वस्तुओं जैसे दवाइयों, दूध, दही, किराना और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। ये जो मोदी जी की 22 तारीख रविवार की जो बंद करने का आह्वान है, हमने उसको एक कदम और आगे जोड़ते हुए सोमवार को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान हमीरपुर के बंद करने का निर्णय लिया है व्यापार मंडल हमीरपुर ने। तो जिसे हम जो इसेंशियल आइटम्स हैं आपकी, जो दवाइयों की दुकानें हैं, किराना है, दूध दही की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, जो इंसान को रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो दुकानें हम खुली रख के बाकी सारी दुकानें, सारे प्रतिष्ठान, हम व्यापारिक प्रतिष्ठान सारे बंद करने का एक लोगों से आह्वान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसी हमारी चर्चा हुई है और लोगों के हमें मैसेज आ रहे हैं कि इसको आप एक लंबे समय तक बंद, पर उस चीज़ को अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम संडे और मंडे, उसके बाद हम अगला फैसला करेंगे कि हमने इससे आगे क्या स्टेप लेना है और सेंटर से हमें या ऊपर से हमें क्या आदेश आते हैं, कैसे होता है, तो उसका फैसला हम आने वाले समय में करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम बंद भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।